नई संसद के पहले मॉनसून सत्र में गूंजेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, लेकिन इस पर क्यों हो रहा विवाद? विपक्ष को किस बात से है आपत्ति? देश की नई संसद के पहले सत्र की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से 10 अगस्त तक चल सकता है। ऐसे में नई संसद के पहले मॉनसून सत्र का मिजाज कुछ खास मुद्दों की वजह से गर्म रह सकता है। उन्हीं में से एक मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का। इसका मतलब एक लाइन में समझा जाए तो देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लिए एक तरह का नियम और एक समान कानून है, लेकिन जितनी सरलता से इसे कह दिया गया, दरअसल ये उतना सरल है नहीं, क्योंकि वर्तमान में मुस्लिम शरिया कानून, हिंदू मैरिज एक्ट जैसे अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम कायदों को मंजूरी मिली हुई है। लिहाजा मुस्लिम जहां एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी अन्य धर्म के लोग ऐसा ही करें तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। खैर, ये महज एक उदाहरण भर है। इसी तरह से कई और अलग अलग तरह के प्रावधान भी हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता का मुद्दा इससे पहले भी कई बार उठता रहा है और ज्यादातर बार इसकी गूंज चुनाव के आसपास सुनाई देती रही है, लेकिन अब चर्चा है कि केंद्र की मोदी सरकार इसे लेकर गंभीर है और हो सकता है कि जल्दी ही इसे कानून के तौर पर अमल में लाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि इसे लेकर विपक्षी दल पहले ही नजरें तरेरे हुए हैं। लॉ कमीशन हैज ऑलरेडी गिवन इट्स रिपोर्ट अर्लियर आल्सो, सो नाउ इफ दे विश दे मे ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट, दे आर विल बी एंगेज्ड आवर सेल्फ इन द थ्रेडबेयर डिस्कशंस एंड डिबेट, नो प्रॉब्लम। हु हैज स्टॉप्ड देम? इट इज देयर गवर्नमेंट। बिफोर प्लेसिंग इट इन द पार्लियामेंट, why you are raising the issue and putting the blame on opposition party? Why? If you wish show, then you are at liberty to place this legislation on the table of parliament, no problem. Who has stopped you? So unnecessary, in the name of UCC, you should not put the blame on the Congress party or opposition party. कांग्रेस पार्टी का इसे लेकर सीधे आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को संसद सत्र के पहले तूल देने में जुटी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले ही अपने एक संबोधन में इसकी जरूरत पर बल देते हुए देश की पूर्व की सरकारों पर यह आरोप लगाया था कि उनकी गलत नीतियों के कारण ही देश में मुसलमानों की कुछ परेशानियां लंबे समय तक बनी रहीं। उन्होंने अपने संबोधन में खास तौर से पसमांदा मुसलमानों का जिक्र किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।